बेहद लापरवाही। इंदौर के आसपास के गांवों में मिल रहे सेना के बम मचा हड़कंप। पुलिस और आर्मी के सर्च ऑपरेशन में बड़े खुलासे। 14 अगस्त को मामूली झगड़े में चले थे बम, 2 दर्जन घायल, 2 की मौत। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरचा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद फेंके गए सेना के बम से हुए हादसे के बाद पुलिस ने सेना की फायरिंग रेंज के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें 4 जिलों की बम सकाट की टीम ने घरों और कबाड़ियों की दुकान से कई बम जब्त किए। वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल मामला बड़गोंदा थाना क्षेत्र में लगे मिलिट्री फायरिंग रेंज से लगे ग्राम बेरचा का है, जहां 14 अगस्त की देर शाम कौशल परिवार के बीच हुए विवाद में बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाते हुए फायरिंग रेंज के आसपास के गांवों में तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन की BDDS की टीम बमों को पहचान कर उन्हें जब्त कर रही है। फायरिंग रेंज के आसपास बेरछा, जानापाव, खुर्दा, कुर्दी, गायकवाड़ सहित कई गांवों में दबिश देकर कई बम जब्त किए हैं, जिनसे हादसे होने की संभावना थी। वहीं पुलिस ने अवैधानिक तरीकों से बमों का पीतल खरीदने वाले कबाड़ियों से भी बमों के खोल जब्त किए हैं और 1 कबाड़ी को हिरासत में भी लिया है। बड़गोंडा, किशनगंज और मानपुर थाना प्रभारियों के निर्देशन में चली इस कार्यवाही में पुलिस ने अभी तक 11 बम जब्त किए। वहीं दूसरी ओर सेना के अधिकारियों ने भी अपने क्षेत्र में मिले बमों को निष्क्रिय कर दिया है। बहरहाल महू आर्मी रेंज में हादसों से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बच्चे पीतल के खोल ढूंढने के बहाने हादसों के शिकार हो चुके हैं। हाल के दिनों में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया था। मामले को लेकर पुलिस ने आर्मी रेजिमेंट के आला अधिकारियों से मिलकर 11 बमों को डिस्पोज कराया है। इंदौर से जितेंद्र सालवी के साथ अनिल प्रजापत की रिपोर्ट। को लेकर उसके द्वारा विस्फोट किया गया, इसमें लगभग उस समय 15 से 17 लोग घायल हुए और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके बाद से फायरिंग रेंज के आसपास के जो भी गांव हैं, जिसमें बेरछा, आपका जानापाव, मानपुर, खुर्दा खुर्दी, गोलकुआ, इसके अलावा गायकवाड़ और भी जो अन्य गाँव हैं, उन सारे गाँवों में अभी सर्चिंग अभियान BDDS की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 जिलों की जो बम स्क्वाड की टीमें हैं, रतलाम, इंदौर, उज्जैन और खरगोन, इन जिलों से BDDS की टीमों को बुलाकर लगातार गाँव में सर्चिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें से बेरछा से कल कुछ दुकानदारों के यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थीं जो कि आर्मी की रेंज से जो विस्फोटक सामग्री है, जो विस्फोट नहीं हो पाती उस समय, तो वो चीज़ें लेके वहाँ मिली हैं। इसके अलावा आज गायकवाड़ जो किशनगंज थाना क्षेत्र में है, 1 कबाड़ी के यहाँ से भी कुछ बम के खोल और अन्य जो चीज़ें जो आर्मी के उसमें यूज़ होती हैं वो जब्त किया गया है। इस प्रकार से अभी लगातार पुलिस मानपुर की टीम, किशनगंज की टीम और बड़गोंदा की टीमें लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही हैं कबाड़ियों की दुकान पे और इस प्रकार के जो व्यवसाय में संलिप्त लोग हैं उनके घरों की सर्चिंग कर रही है। सर, ये जो स्फोटक है या पूरी सामग्री है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, गाँव वालों तक पहुँचाना बड़ा? चूँकि महू एक कैंट एरिया है, आर्मी का एरिया है, वहाँ पर उनकी फायरिंग रेंज है बेरछा में, वहाँ पर लगातार उनकी फायरिंग प्रैक्टिस चलती रहती है और एक वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि अभी वायर फेंसिंग से या बाउंड्री वॉल से कवर्ड नहीं है, खुला हुआ क्षेत्र है। तो जब फायरिंग होती है तो उसके बाद से जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर जाते हैं और उनको वहाँ पर जो खोल वगैरह जो विस्फोटक के हैं वो मिल जाते हैं, कई बार जो बम फट नहीं पाते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो उठा के ले आते हैं और उसको बेच के वो कुछ पैसा वगैरह अर्जित करते हैं, तो फायरिंग रेंज से सब चीज़ें लगभग प्राप्त करते हैं। इस संबंध में आर्मी के जो अधिकारी उनसे लगातार संपर्क हो रहा है। कल बेरछा में जो 10 बम हमको मिले हुए थे उनको कल वहीं पर आर्मी के अधिकारियों के द्वारा बेरछा रेंज में ले जाकर डिस्पोज किया गया है। बेहद लापरवाही। इंदौर के आसपास के गांवों में मिल रहे सेना के बम मचा हड़कंप। पुलिस और आर्मी के सर्च ऑपरेशन में बड़े खुलासे। 14 अगस्त को मामूली झगड़े में चले थे बम, 2 दर्जन घायल, 2 की मौत। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद फेंके गए सेना के बम से हुए हादसे के बाद पुलिस ने